नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप ये शाहरुख खान के फैन तो आज के वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि शाहरुख खान की कमबैक फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिल्म की कहानी क्या होगी, और सारी बातें इसी वीडियो में आपको पता चलेंगे, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर है फिल्म के राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी वही डायरेक्टर जिन्होंने PK, मुन्ना भाई MBBS और 3 लीडर्स जैसी फिल्में बनाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ करीना कपूर या फिर काजोल, इन दोनों में से एक एक्ट्रेस होने वाली है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुई है कि कौन सी एक्ट्रेस इसमें काम करेगी। दोनों के नाम के ऊपर कंसीडर किया जा रहा है। और बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर की, तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। शाहरुख खान की इस फिल्म की शूटिंग गुजरात, लंदन और कर्नाटका में होने वाली है। इसके अलावा फिल्म के कुछ पोर्शन जो है वो अमेरिका में भी शूट किए जाएंगे। शाहरुख खान की यह फिल्म एक हल्का फैमिली ड्रामा होने वाली है, लेकिन साथ में इसमें इमिग्रेशन का भी एक इश्यू जोड़ा जाएगा, जिसके चलते फिल्म को थोड़ा सा लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि फिल्म में जो लास्ट में क्लाइमैक्स बनेगा उसमें काफ़ी इमोशनल सीन हमको देखने को मिलेगा। शाहरुख खान की इस फिल्म का बजट होगा करीब 80 करोड़ रुपये। फिल्म की शूटिंग अगस्त के महीने में शुरू की जाएगी। फिल्म की कहानी खुद राजकुमार हिरानी ने लिखी है, और फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन लगी है शाहरुख खान को, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को फाइनल कर लिया है। वैसे शाहरुख खान राज एंड DK की फिल्म करने वाले थे, लेकिन अब वो उस फिल्म को बाद में करेंगे, पहले वो राजकुमार हिरानी की फिल्म करेंगे। शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग करीब साल के एंडिंग तक कंप्लीट कर लेंगे, और ये फिल्म आपको अगले साल होली के आसपास देखने को मिल सकती है। दोस्तों, शाहरुख खान की इस कमबैक फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।